नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के चांदपुर की, जहां से हमारे संवाददाता एसपी गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार चांदपुर थाना क्षेत्र में नगर निकाय चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के समर्थकों में हुए विवाद के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 12 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि चांदपुर के बास्ता रोड पर नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी विकास गुप्ता रॉकी व उनके समर्थकों और कांग्रेस प्रत्याशी जीनत परवीन के पति शेरवाज पठान व उनके समर्थकों के बीच कासुनी और मारपीट हुई थी। पुलिस के अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था कायम की गई थी, जिसके बाद विकास गुप्ता रॉकी की तहरीर पर पुलिस ने शेरवाज पठान सहित 12 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त मोहल्ला शाहचंदन निवासी नईम पहलवान को गिरफ्तार कर लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी सरवम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, 4 मई 2023 को अपराह्न लगभग 4 बजे थाना चांदपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि चेयरमैन पद के प्रत्याशी विकास गुप्ता और रॉकी फर्म के समर्थकों और चेयरमैन पद की प्रत्याशी जीनत परवीन, उनके पति शेरवाज पठान व उनके समर्थकों के बीच हाथापाई व मारपीट हुई है। मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर शांति व्यवस्था कायम की गई। इस मामले में वादी विकास गुप्ता और रॉकी की तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकाश में आए एक अभियुक्त नईम पहलवान सनफ मकबूल निवासी शाह चंदन कस्बा व थाना चांदपुर को गिरफ्तार किया गया। वीडियो साक्ष्य अथवा अन्य साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।